सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द बेस्ट आउटफिट, जैसे हो वैसे देखो। मेरे दोस्त, मेरे मित्रगण, आप सभी से ये देखिए, मेरा जो भी शुरुआत हाल है इस वक्त गाँव वाले लाइफ है, बिजी लाइफ है, आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाह रहा था। ये हमने पंप लगाई हुई है, अभी जो है इस ये पंप से पानी को सुखाया जाएगा, मछली पकड़ा जाएगा, सोचा छोटा मोटा एक मिनी ब्लॉग हो जाएगा। और हमारे बहुत अच्छे सगे संबंधी है जो हमसे अक्सर इस वीडियो को अगर देखेंगे भी, वैसे भी कहते भी है कि वो इस तरह से बनाते हो वगैरह वगैरह। और इस वीडियो के चक्कर में मैं अक्सर विवादों में या कुछ ना कुछ में फट जाता हूँ। एनीवे खैर, वो तो जो भी कुछ ना कुछ हरकतें करते हैं वीडियो वगैरह, जितने भी यूट्यूबर हैं बड़े से बड़े, अब मान लो कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो जाती है उनके साथ, कुछ इंसिडेंट हो जाते हैं, मेरे साथ भी कुछ कुछ होता ही रहता है। एनीवे चलिए अब क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये देखिए ऑन ऑफ है ना, ये रहा ऑन ऑफ का बटन, इसको ऑन ऑफ कर देते हैं, ऑन कर देते हैं। अब इसको इस तरह से यूं घुमा देते हैं, ठीक है। पानी जो है स्टार्ट हो चुकी है। आप जो है, हमने ये बाल्टी रखा है, इसमें पानी वगैरह डाला जाता है। लीजिए ये देखिए, पंप लगा दिया हमने, और ये देखिए ये फैन का जैसा, अब इसको लोकल भाषा में डोरी कहा जाता है, इस तरह से बांध देने से पानी के बीच में मछलियाँ जो है इसमें आकर घुस जाया करती है, छोटा मछली जो होता है ना भाई। और ये कहते आ गई थी, मोबाइल में पानी वगैरह गिर गया था, हमने साफ वगैरह कर दिया। ये जो है इसका मोहना है, देखिए इसका मुँह जो है इस तरह से इसका अंदर ना डाला, ताकि जबड़ा जो है इस तरह से फंस जाता है, इसलिए इसका मुँह का अंदर में इस तरह से एक सिस्टम कर देना है, ताकि वो मुंह में ना फंसे, ठीक है, जबड़ा ना, लेकिन सेफ्टी के लिए। देखिए ये मछली, छोटा मछली जो है अभी जो कि सूखने वाला है, मछली क्या है सूखने वाला, इसमें आकर के ये देखिए मछली फंसता जा रहा है, इसको लोकल भाषा में डोरी कहा जाता है। छोटा मछली जो है सभी इसमें आ जाएंगे, वरना इसका मुँह का होते हुए पंप के अंदर से यूँ बाहर चले जाएंगे। और ये सारा जलकुंभी जो आप देख पा रहे होंगे, ये जो है साफ कर दी जाएगी, और इसका पानी नीचे आने के बाद आपको यूँ बताते हैं। हालांकि कामकाज का बीच में मेरे को उतना भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरा कुछ हाथ दोस्तों से रिश्ता रहा है ना, इसीलिए कुछ इंसिडेंट हुआ है, इसलिए थोड़ा अपसेट सा हूँ। और जो भी है अपने हैं, बुरा तो ऑब्वियसली मानेंगे, फिर भी इस तरह से करने से अपना खानदान का, अपना इसका उसका होता है ना, एक प्रोफाइल है हमारा फैमिली का भी, तो प्रोफाइल में भी कहीं ना कहीं दंग लग जाता है हमारी वजह से। बस मैं यही करता हूँ कि गलत कोई काम तो नहीं कर रहा, हो सकता है इधर उधर लोग समझेंगे, आजकल लोग समझदार भी यूसा है, देख लीजिए। अब भैया ये सींग मछली बड़ा ख़तरनाक है, ये अगर आपको मार देगी, काटा इसका फंस गया ना, बड़ा ही दिक्कत होने वाली है। एनीवे हमने जो है ये जो है सुखा दिया, देखिए मछली सारी आ रखी है, क्योंकि मछली ज़्यादा नहीं है, मोटा मोटी मछली है, खाने लायक होगा मछली अगर कहा जाए तो, बहुत ज़्यादा मछली नहीं है एकदम। अरे यार साफ देखो यार, साफ फंस गया इसमें, जो मटका था ना उसी मटके में साफ जो है फंस गया, एकदम मशीन पानी खींच रहा था ना, सुखा रहा था। अब देखिए ये कौन सा मछली है, बेड़ा मछली है, लोकल में इसको बेड़ा मछली कहा जाता है, देख रहे हो। और देखो जो है ये भी है, मेरा बता जा 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 जा, एक तो मछली चुप गया यार, कोई मछली था ये छोटा छोटा मछली आया है, तरह की मछली नहीं है, पानी सूखने की ओर है। धान जो है, धान का फसल जो है, धान पकने वाला है, अभी थोड़ी देर थोड़ा टाइम है, पक जाएगा। और ये रहा मछली सारी, ये देखिए मछली उतना नहीं है, ठीक है, मछली देख लो भाई, मछली एकदम नहीं है। एक झलक में हम दिखा देते हैं, पकड़ दिया हुआ है सभी, हमने सारी की सारी वीडियो जो है पॉसिबल नहीं होता बनाना ऐसी हालत में, ऐसी सिचुएशन में। आपको शायद दूर दराज कहीं से देख रहे हो तो कीचड़ है, पर यहाँ का मिट्टी बहुत गीला मिट्टी है, पत्थर बिल्कुल नहीं है। तो मछली जो है हमने जो था पकड़ लिया, थोड़ा सा मछली है भाई, सुपारी खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, घर आने से ही सुपारी खाना पड़ता रहता है, ठीक है। पता नहीं कैसे देख रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे, हम रास्ते देख लो बड़ा खराब पड़ेगा। मेरी तरफ से सख्त मना की गई है दादी, ऐसा ना करो, मछली पानी में इस तरह से बिठा देना है, इसी स्रोत पानी का स्रोत जो है ना स्पीड से अंदर जाके यूँ मछलियाँ फंस जाया करती है। एनीवे अब जो है हम जो है अब विदा ले लेते हैं आप लोगों से, वो इसलिए है क्योंकि काम साम हो गया, अभी इसी को इस तरह से पकड़ देते हैं, ऊपर पकड़ने से ख़राब होने का चांसेस रहती है। यह भी एक मछली फंसी हुई है, मछली उतना नहीं है, एक टाइम वन टाइम खाने के लिए हो जाएंगी, मछली उतना नहीं है,
वन टाइम खाने के लिए हो जाएंगी। तो भैया हम जो है यही से, तो लीजिए भैया इस तरह से इस बांध को ऐसे बांध दिया जाता ना, ऐसे बांध है, देखिए इस तरह से बांध, ये रहा बांध, इसको ऐसे खूंटा लगा करके इस तरह से बांध को संभालने के लिए सब ना टूटे पानी का प्रेशर से, तो इसको अब इस तरह से तोड़ दिया, ठीक है। और ये चावल का खेती, धान का खेती, अब देख रहे हो इसका नीचे से जो मछली वगैरह होता है ना, ये गड्ढा दे रखा है हमने इसी के अंदर से, इसी के बीच से इस तरह से ऊसा, हालांकि पानी थोड़ा थोड़ा है, धान खेती के नीचे उसी में जो मछली होता है उसमें मिल जाता है, तो पानी अभी सूखने वाला है क्योंकि धान काटने का सीजन आने को है, तो इसीलिए कुछ ऊसा है क्योंकि पानी अभी अंदर को जा रहा है ना ज़्यादा स्पीड से, तो इसलिए सूखता जा रहा है क्योंकि ज़्यादा खींच रहा है ना पानी अंदर को, इसलिए ये जो है पानी सूखा हुआ महसूस हो रहा है। ये अगर बढ़ जाएगा गड्ढा तो फिर ऐसे लेवल में लगेगा, तो ये थोड़ा सा हमने कोशिश करा बस यहीं से भाई।